हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं बात करने वाला हूं नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग के बारे में, कि ब्रांच अकाउंटिंग करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, इसको पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसे दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे, ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप स्टडी करें तो आप हमारे चैनल पर जब भी आए कॉमर्स की पाठशाला में, तो आपको नीचे की तरफ जाना है, इग्नू बीकॉम न्यू नाम से आपको एक सेक्शन दिखेगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको पढ़ करके सुन करके आप एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके लिए आपको इग्नू बीकॉम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप का प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिल जाएंगी। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7, जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको नोट्स मिलेंगे 24/7 40% डिस्काउंट्स पे। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे हमारी तरफ से, क्योंकि असाइनमेंट्स आपको जमा कराने होते हैं जब भी आप एग्जाम देने वाले होते हैं, उसके पहले आपको असाइनमेंट्स आपको जमा कराने होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी तरफ से आपको फ्री में प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। लेट्स स्टार्ट देन। सो एज स्टेटेड अर्लियर, ईच ब्रांच इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर, hence it should record various transactions in such a manner that its profit or loss can be worked out and incorporated in firm's overall result at the end of the accounting year. So baat yahan pe boli gayi wo ye hai ki dekho, pehle se bataya gaya hai aur abhi bhi bataya ja raha hai aap logon ko ki jo profit center hota hai, profit as a profit center ek tarike se treat kiya jata hai branches ko, right? To jo bhi branches aapke hote hain un sare branches ko alag alag ek tarike se unka profit nikala jata hai aur sabko alag alag profit center ke roop mein treat kiya jata hai. इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि जो भी ट्रांजेक्शंस हो रही है, वेरियस ट्रांजेक्शंस हो रही है, उनको आप इस मैनर में आप रिकॉर्ड करो ताकि आप प्रॉफिट एंड लॉस को निकाल सको बहुत ही आसानी से, क्योंकि आपको इंडिविजुअली जो ब्रांच होता है उसका एक अकाउंटिंग ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो आपको निकालने की आवश्यकता पड़ती है। मोर ओवर द ब्रांचेस कंडक्ट ऑल एक्टिविटीज अंडर द डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द हेड ऑफिस, which may need a variety of informations from time to time about the functioning of each branch, है ना? और इसके अलावा एक बात और यहाँ पे बोली जा रही है कि जो branches होती हैं, उसको conduct कराया जाता है head office के द्वारा। Head office एक तरीके से manage करता है branches की activities को। तो कौन सा branch कैसा perform कर रहा है, उसकी activities कैसी हैं, right? तो इस तरह की various informations होती हैं जो कि head office को चाहिए होती हैं branch के regarding। तो हर एक branch का individual एक तरीके से profit center के रूप में उसको इसलिए treat किया जाता है ताकि उसकी जो बेनिफिट्स है उसको चलाने में उनका फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर किसी ब्रांच को खोल करके उनका फायदा नहीं हो पा रहा है, वहां पे उनका कॉस्टिंग ज्यादा है, खर्च ज्यादा है, तो वो उस ब्रांच को नहीं रखेंगे, बंद कर देंगे, राइट? तो हर एक ब्रांच की जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको उसकी आवश्यकता जो हेड ऑफिस को पड़ती है, और ये लोग उस काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सारे ब्रांचेस को अलग अलग तरीके से ऑपरेट करते हैं और सबकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम टू टाइम फॉर द बेटर फंक्शनिंग ऑफ ब्रांचेस हेड ऑफिस तक पहुंचाई जाती है। This becomes possible only if the branches keep proper books of account. और ये possible तभी हो पाता है जब books of accounts हर एक branch का अलग अलग तरीके से properly record किया जाता है. Thus the main reasons of keeping branch accounts can be summarized as follows. तो जो main reasons हैं जिसके कारण से branch accounts को maintain किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे one by one. सबसे पहला है to find out the profit and loss of each branch for accounting period. है ना? तो जो भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के बारे में बात हो रही है, उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में आपका आपके ब्रांच में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये पता करने का काम जो है होता है, और इसीलिए अकाउंटिंग जो है की जाती है, ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है। दूसरा है ब्रांच अकाउंटिंग करने का मकसद की टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ ईच ब्रांच एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। साल जब खत्म हो गया तो साल खत्म होने के बाद आपका जो बिजनेस है, आपका जो ब्रांच का जो बिजनेस है, आपका ब्रांच का प्रॉफिट जो है वो कितना बढ़ रहा है, ब्रांच का जो बिजनेस ओवरऑल बिजनेस जो होता है, फाइनेंशियल पोजीशन जो होता है, आपके एसेट्स में कितनी बढ़ोतरी हुई है, आपकी लायबिलिटीज लाइक उसके बराबर है या नहीं है, इन सारी चीजों को, फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए भी हम ब्रांच अकाउंटिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट है टू इनकॉर्पोरेट द नेट इफेक्ट ऑफ ब्रांच ट्रांजेक्शंस एंड देयर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इन अ फर्म्स फाइनल अकाउंट, है ना? तो समटाइम्स ऐसा होता है देखना कि सामान जो है, जो गुड्स है, उसको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में ट्रांसफर किया जाता है। तो इस तरह की जो चीजें होती है, जब आप ट्रांसफर करते हो तो उसमें जो नेट इफेक्ट है ब्रांच ट्रांजेक्शंस का, उसका एसेट्स के ऊपर कौन सा नेट इफेक्ट पड़ता है, उसकी लाइबिलिटीज के ऊपर कैसा उसका असर पड़ता है,
फाइनल अकाउंट्स जो आप जब आप बनाते हो तो उस चीज के ऊपर उसका कैसा असर पड़ता है, असर तो पड़ता ही है, तो इन सारी चीजों को चेक करने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग की जाती है। चौथा पॉइंट है टू एस्टिमेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कैश एंड स्टॉक फॉर ईच ब्रांच। तो हर एक स्टॉक में कितने कैश की जरूरत है, कितना ज्यादा आपको कैश अपने पास रखना चाहिए, कितना कैश आपके पास होना चाहिए, हर ब्रांच में स्टॉक की अवेलेबिलिटी कितनी है, स्टॉक आपको कितना होना चाहिए आपके ब्रांच में, इस तरह की जानकारियां जितनी भी सारी होती हैं उन सबको पता करने के लिए आपको जो है ब्रांच अकाउंटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, टू इवेलुएट द प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच ब्रांच, हर एक ब्रांच का जो परफॉर्मेंस है या फिर जो उसका प्रोग्रेस है उसको पता करने के लिए भी आपको ब्रांच अकाउंटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। छठा पॉइंट है टू कैलकुलेट द कमीशन फॉर पेमेंट टू द मैनेजर्स इफ बेस्ड ऑन प्रॉफिट ऑफ ब्रांच, है ना। तो जो कमीशन दिया जाता है एक तरीके से मैनेजर्स को, उसको कैलकुलेट करने के लिए, अब जो आप कमीशन दोगे वो तो ब्रांच के प्रॉफिट पे दोगे, तो ब्रांच की प्रॉफिट तभी आप निकाल पाओगे ना जब आप ब्रांच की अकाउंटिंग करोगे। तो ब्रांच की अकाउंटिंग इसलिए की जाती है ताकि प्रॉफिट निकाली जा सके, और प्रॉफिट इसलिए निकाला जाता है ताकि कमीशन जो है वो मैनेजर को दिया जा सके जो कि उस ब्रांच को मैनेज कर रहा है, जो ब्रांच का मैनेजर है, राइट। सातवां नंबर पॉइंट है टू असेस द प्रोस्पेक्ट्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इन ईच ब्रांच, है ना। तो हर एक ब्रांच किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, उसको किस तरीके से एक्सपेंड करना है, किस तरीके से आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हो, ये सारी की सारी चीजों को एक्सेस करने के लिए, जो बिजनेस का काम किस तरीके से कर रहा है उसको एक्सपेंड करने के लिए जो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, इन्फॉर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है, वो आपको ब्रांच अकाउंटिंग के थ्रू ही मिलती है। आठवां और आखिरी पॉइंट है टू मीट ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे ऑडिटिंग की जाती है, चेक किया जाता है कि कंपनी का जो प्रेजेंट कंडीशन है वो कैसा है, है ना, सारी चीजों को मिलाया जाता है, बिल्स को सारे के सारे चीजों को मिलाया जाता है, तो ये इन सारी चीजों को करने के लिए, ऑडिट करने के लिए भी ब्रांच अकाउंटिंग करने की आवश्यकता पड़ती है। सो दीज आर द फॉलोइंग 8 पॉइंट्स जिसके माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश की है दैट व्हाट आर द नीड्स फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, बाय बाय, थैंक यू।